हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विक्रम और लिनक्स के दूसरे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम उबुंटू आईओएस फाइल को डाउनलोड करना और उसे इंस्टॉल करना वर्चुअल बॉक्स की मदद से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र पे क्लिक कीजिए और उसमें जाके आप टाइप कीजिए www.ubuntu.com और ये देखिए उबुंटू के वेबसाइट पे आ गए हम। इसमें जाके आप क्लिक कीजिए डाउनलोड्स और ये देखिए डेस्कटॉप वर्जन और उबुंटू सर्वर वर्जन। आप डेस्कटॉप वर्जन अगर डाउनलोड करेंगे तो ये आपको जैसे विंडोज़ वर्ल्ड में आपको जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ठीक उसी तरह से ये डेस्कटॉप वर्जन भी उसी तरह का फीलिंग्स देगा। लेकिन अगर आप सर्वर वर्जन डाउनलोड करते हैं तो वो आपको सिर्फ एक ब्लिंकिंग कर्सर और ब्लैक स्क्रीन दिखेगा। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि हमेशा डेस्कटॉप वर्जन सर्वर वर्जन की अपेक्षा स्लो होता है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सर्वर वर्जन को ही डाउनलोड करें। तो आप उबुंटू सर्वर पे क्लिक कर दीजिए और ये लेटेस्ट 14.04 और ये सिर्फ 64 बिट के लिए है। अगर आपका कंप्यूटर पुराना है और ये 32 बिट का है तो आप प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए प्रीवियस रिलीज, आप इस पे क्लिक करके अपने चॉइस अनुसार आप कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जो 32 बिट और 64 बिट दोनों में रिलीज है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 64 बिट वर्जन है तो आप ये डाउनलोड कर लें। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, ये मेरा लेटेस्ट वर्जन नहीं है बल्कि मैंने 12.10 ये डाउनलोड किया है। तो मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। जब आप इसे डाउनलोड कर लें तो हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा, वह है वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, इसके लिए आप गूगल में जाके सर्च कीजिए VMware और एंटर और ये देखिए जो पहला लिंक आता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसमें आप डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक कीजिए तो ये आपको डिफरेंट डाउनलोड के ऑप्शन दिखाएंगे और ये देखिए ये डिफरेंट VMware के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मुझे जो डाउनलोड करना है वो है यहाँ VMware प्लेयर। ठीक है, इसे आप डाउनलोड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए VMware प्लेयर फॉर विंडोज़ 32 बिट एंड 64 बिट ये दोनों के लिए है। तो आप इसे डाउनलोड कर लें। मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। तो चलिए अब हम इसे इंस्टॉल करना सीखते हैं। जब आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेंगे ये इसे इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, बस आप नेक्स्ट क्लिक करते जाइए। और हाँ, ये आपको साइन इन करने के लिए पूछेगा तो आप इसमें साइन इन कर लें और इसे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे ये देखिए मैंने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स, बैकट्रैक लिनक्स, उबुंटू डेस्कटॉप वर्जन और एंड्रॉयड, ये सब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसमें और भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक कर दीजिए और इसमें जाके आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। उसके बाद क्लिक नेक्स्ट और इसमें आप लिनक्स सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई डिफरेंट अगर सिलेक्टेड है तो आप इसमें लिनक्स सेलेक्ट कर लें और मैं इसे वर्जन उबुंटू ही रहने देता हूँ और क्लिक नेक्स्ट। और यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं उसका आपको नाम देना है, तो मैं इसे उबुंटू सर्वर कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट और ये लोकेशन आप डिफ़ॉल्ट वैसे ही छोड़ दें, नेक्स्ट। और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्क साइज़ ये बता रहा है कि आप कितना ऑपरेटिंग सिस्टम को जगह देना चाहते हैं हार्ड डिस्क पे, तो मैं 20 GB जो रिकमेंडेड है मैं उसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। और आप ये सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इंटू मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट। और मैं यहाँ पे आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये फर्स्ट ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये 20 GB इंस्टेंटली ये आपको हार्ड डिस्क में ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे जैसे आप हार्ड डिस्क के साइज़ को यूज़ करेंगे, जैसे आप कुछ इंस्टॉल करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर तो ये मान लीजिए 5 GB लेता है, तो हार्ड डिस्क मेन कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में से आपको सिर्फ 5 GB जाएगा। लेकिन अगर आप ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इट डजेंट मैटर कि आप कितना GB यूज़ किए हैं, ये इंस्टेंटली 20 GB ले लेगा। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट। और ये देखिए मैं यहाँ पे 1024 MB मेमोरी दे रहा हूँ, मतलब ये कि 1 GB मेमोरी मैं इसे दे रहा हूँ। बाद में आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं इसे फिनिश कर देता हूँ।
और ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हो चुका है। तो आप एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से आप सीडी डीवीडी ऑडियो डिटेक्ट इस पर क्लिक कीजिए, और सेकेंड ऑप्शन यूज आईओएसओ इमेज फाइल जो आप डाउनलोड किए हों, और मैंने इसे डी ड्राइव में रखा है इसलिए मैं इसे वहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये मैंने डिफरेंट वर्जन्स को डाउनलोड किया था, ये देखिए डेस्कटॉप वर्जन, ये सर्वर वर्जन, तो मैं इस सर्वर वर्जन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसे सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद प्ले वर्चुअल मशीन, और ये देखिए ये लैंग्वेज ऑप्शन सिलेक्ट करने कह रहा है, आप इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंटर। इंस्टॉल उबुंटू सर्वर, एंटर। यहाँ पे फिर से चूज लैंग्वेज ऑप्शन, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट ऑब्वियसली, डिटेक्ट कीवर्ड लेआउट, नो। ये फिर से कंट्री ऑरिजिन फॉर द कीवर्ड, कीवर्ड सेटिंग पूछ रहा है, इंग्लिश यूएस, कीवर्ड लेआउट डिफॉल्ट इंग्लिश यूएस। और गाइस यहाँ पे होस्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, कंटिन्यू, फुल नेम फॉर द न्यू यूज़र, मैं TPN दे देता हूँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। आप कोई पासवर्ड सेलेक्ट कर लें, री इंटर द पासवर्ड। ये आपको ये बता रहा है कि मैंने सिर्फ 2 डिजिट का पासवर्ड दिया, इसलिए ये आपको बता रहा है कि ये पासवर्ड बहुत वीक है, यस। और गाइस यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि इनक्रिप्ट योर होम डायरेक्टरी, आप हमेशा नो पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप यस कर देंगे और मान लीजिए आपका सर्वर करप्ट कर गया या फिर हैंग कर गया, तो आप इसे दोबारा कोई भी डेटा इसमें से आप वापस नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमेशा आप इसे फिलहाल के लिए आप नो कर दें, क्लिक यस। पार्टीशन मेथड यूज एंटायर डिस्क, एंटर। राइट चेंज टू डिस्क, यस। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर, फिलहाल आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, फिर से एंटर। ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं इसे यहाँ पे पॉज कर देता हूँ इस वीडियो को। और यहाँ पे ये पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू मैनेज अपग्रेड ऑन दिस सिस्टम, तो आपको विंडोज़ की तरह लिनक्स में उतने अपडेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, इसलिए नो ऑटोमेटिक अपडेट्स। बाद में आप कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट करके आप इसे अपडेट कर सकते हैं। और ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है, ओपन SSH, DNS, LAMP सर्वर। LAMP का मतलब होता है लिनक्स, अपाची, MySQL और PHP, सांबा सर्वर, टॉमकैट सर्वर, वर्चुअल मशीन सर्वर। तो फिलहाल ये सबको सिलेक्ट करके अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बाद में आप जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा आप कभी भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ लैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप इसे सिलेक्ट करने के बाद स्पेस पे प्रेस कीजिए। आप लैम्प सर्वर पे जाने के बाद इसे एक सिंगल स्पेस पे एंटर कीजिए और प्रेस एंटर। यहाँ पे MySQL के न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं इसे एक नया पासवर्ड दे देता हूँ। रीएंटर, रिपीट द पासवर्ड फॉर MySQL। और ये 97% कंप्लीट हो चुका है।
इंस्टॉल ग्रब बूट लोडर, इसका मतलब होता है कि अगर आप वर्चुअल बॉक्स पर अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट हार्ड डिस्क पे अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन देगा कि वेदर आप प्रीवियस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फुली, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ या फिर लिनक्स दोनों में से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का चूजिंग के लिए देगा कि आप कौन से में बूट इन करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे स्किप कर दें, एंटर। इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, कंटिन्यू। तो ये देखिए बूट हो रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये विंडोज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जल्दी बूट अप होता है। और ये देखिए ये यूज़र नेम यहाँ पे मांग रहा है। पासवर्ड और ये इनकरेक्ट हो गया, शायद मैंने कुछ अलग दे दिया। और ये हम सिस्टम में लॉगिन कर चुके हैं, तो होपफुली गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके गाइस, इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट इट बिलो।